मॉर्निंग क्लास, टुडे इज़ योर इंग्लिश ग्रामर क्लास चैप्टर 14 कंजक्शन। यू आर स्टडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजक्शन विथ एग्जाम्पल इन योर प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास में आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजक्शंस पढ़े होंगे। इन दिस क्लास यू शैल स्टडी देयर यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, पंक्चुएशन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। कंजक्शन आर द वर्ड डैट कनेक्ट वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉज और सेंटेंस। कनेक्शन वो कंजक्शंस वो वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो किसी वर्ड्स को फ्रेजेस को क्लॉजेस को सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। दे आर मेनली थ्री काइंड्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एग्जांपल्स हैं फॉर एंड नॉर बट और येट। ओके, तो इसे हम इस तरीके से याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में फैन बॉयज। देखिए एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉट, बी से बट, ओ से य और वाई से येट और एन एस से सो। कंजक्शन एडवर्ब्स दे, एनी हाउ, बिसाइड, कॉन्सिक्वेंटली, फाइनली, हैंस, इंडिड, मीनवाइल, मोर एवर, नेक्स्ट, अदरवाइज एक्सेट्रा। कोरिलेटिव कंजक्शन आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक्सेट्रा। सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन आफ्टर, ऑल्दो, एज फार, एज, एज इफ, एज लॉन्ग एज सून एज थो एक्सेट्रा। यूज ऑफ पंक्चुएशन ऑफ कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात की जाए तो जैसे कि एंड और फॉर की बात की जाए तो इन्हें एक साथ यूज़ किया जाता है फ्रेज और क्लॉजेस में ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। वर्ड टू वर्ड की बात करें तो सी एंड यू आर ओनली माय गुड फ्रेंड्स। फ्रेज टू फ्रेज, वी शैल हैव पिकनिक एट द बीच और बाय द लेक साइड। क्लॉज टू क्लॉज, वी लिसन ईगरली फॉर द ब्रॉट न्यू of our families. Coordinating conjunction have their place between the items they join, not the beginning or the end of the sentence. This is good rule of thumb. Coordinating conjunction जो है, देखिए क्या होता है, items के बीच में नहीं आती हैं। Items के बीच में आती है ना तो शुरू में आती है और ना ही last में। जैसे कि his mother want to be there but His father might. Punctuation की बात करें students, when a coordinating conjunction connects two words, जब coordinating conjunction दो words को connect करती है, phrase को connect करती है, dependent clause को, तो वहाँ पर कोई comma नहीं आता पहले। Okay, example, words हैं chair and table, slowly, carefully, on the table, on the floor, what you think. जब ज्वाइन किया जाता है थ्री और मोर वर्ड्स और फ्रेजेस या सबॉर्डिनेट क्लॉज को तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्रिएट करती है सीरीज को। वी नीड कॉमा, वहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत होती है, कॉमास की बीच में और एलिमेंट्स की। ओके, एग्जांपल दे रखे हैं वर्ड्स फ्रेजेस सबॉर्डिनेट क्लॉजेस, फादर मदर, इन द रिवर, व्हाट यू थिंक। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन करती है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को और कंपाउंड सेंटेंस को तो क्या बनता है, उससे पहले क्या होता है, कॉमा आता है। जैसे कि आपको ये दे रखा है, ही एट ऑल द बनाना सो आई एट द एप्पल्स। कंजक्शन एडवर्ब, जब एडवर्ब, व्हेन एडवर्ब आर यूज्ड एज कंजक्शन, एडवर्ब को कंजक्शन की तरह यूज किया जाए तो दे आर कॉल्ड कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब फंक्शन करती है कंजक्शन की तरह स्टूडेंट्स, ज्वाइन करने के लिए किसी इंडिपेंडेंट क्लोज को इनटू एक सेंटेंस में और दे लुक लाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरह दिखती है बट वो स्ट्रांग होती है किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। ओके, पंक्चुएशन की बात करें स्टूडेंट्स, जब हम कभी यूज़ करते हैं कंजक्टिव एडवर्ब तो वहाँ पे हमें सेमी कॉलन यूज़ करना होता है कॉमा से पहले। ओके, और मेन क्लॉज कंजक्टिव एडवर्ब, फिर मेन क्लॉज। इसी तरीके से जब कंजक्टिव एडवर्ब यूज़ होती है बिगनिंग में सेंटेंस के तो वहाँ भी हम कॉमा यूज़ करते हैं उसके बाद। ओके, और व्हेन पेयर्स और सेट ऑफ कंजक्शन आर बीइंग यूज्ड, जब पेयर ऑफ किसके पेयर या फिर सेट ऑफ कंजक्शन यूज़ होते हैं तो दे आर नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, उन्हें अलग नहीं कर सकते। आइदर द ब्लू शर्ट कॉमा बाय द कॉमा, कॉमा के थ्रू से हम नहीं कर सकते, वहाँ पे हम और का यूज़ करते हैं। ओके, आइदर और इस क्या है, कोरिलेटिव पेयर है कंजक्शन का। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, अ कोरिलेटिव कंजक्शन इज पेयर्ड कंजक्शन, पेयर्ड कंजक्शन होती है, आइदर और। ओके, प्राइमरी
कोरिलेटिव कंजक्शंस होती हैं बोथ एंड आइदर और नाइदर और. ओके, इसके बाद इसी तरीके से आपको पंक्चुएशन दे रही है इसकी. जब दो डिपेंडेंट क्लोज जब प्लेस होते हैं शुरुआत में तो यूज़ कॉमा, उनके बीच में हम दो क्लॉज में कॉमा लगाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है बिकॉज इट इज़ रेनिंग वी हैव एन अम्ब्रेला. जब सेंटेंस स्टार्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज में तो उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज आता है इसके द्वारा. ओके, बाय द डिपेंडेंट क्लॉज डू नॉट सेपरेट द टू क्लॉज. ओके, सेपरेट नहीं कर सकते हम दो क्लॉज को. वी हैव एन अम्ब्रेला बिकॉज इट इज़ रेनिंग. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंट सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ती है मेन क्लॉज में. मोस्ट सबऑर्डिनेट आर कंजक्शन. मोस्ट सबऑर्डिनेट ऐसे हैं जिसमें कंजक्शंस होती हैं, सिंगल वर्ड्स होते हैं जैसे कि अनटिल, ऑल्थो, इफ, बिकॉज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर. ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूजुअली रिलेटेड हैं, इन्हें आप रीड करेंगे स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन. थैंक यू.